राइट लेग पे पीछे की तरफ नीचे के पार्ट में बहुत सारा डायलेटेड वेन है और ये वेरिकोज वेन कंडीशन है। ऐसे बहुत अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज है, ये बहुत एडवांस कंडीशन नहीं है, नहीं तो फिर उसमें तो बहुत ज़्यादा डायलिटेशन हो जाता है। थोड़ा अनयूजुअल साइड ज़रूर है क्योंकि ज़्यादातर लोगों में वेरिकोज वेन आगे की तरफ होता है, लेकिन आप में पीछे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है। इसके लिए हम लोग ड्यूअल मोडलिटी ट्रीटमेंट जो लगभग हर वेरिकोज वेन के पेशेंट में यूज़ करते हैं, इसमें दो ट्रीटमेंट प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, एक फोम स्क्लेरोथेरेपी और दूसरा एंडोवेनस 1470 डायोड लेजर एब्लेशन। दोनों का यूज़ करने से रिजल्ट बहुत अच्छा एकदम अप टू द मार्क आता है। और जैसा कि आप में वेन है कि बहुत ज़्यादा एज ए डिजीज एज ए बीमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफेंस में या SSCGD मेडिकल के टेस्ट में इस सब में दिक्कत होती है इससे, और इसी के लिए आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ना जी? कितना टाइम है अभी आपके पास? डेढ़ दो महीना है। हाँ, तो अभी जस्ट इसकी इंडोवेनस डायोड लेजर एंड फोम स्क्लेरोथेरेपी हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। फोम स्क्लेरोथेरेपी हम लोग कर रहे हैं वेन के अंदर, जरा सेंट्रल प्रिक होता है बस इतना ही, और ये वाल्व खुल जाने से ये मेडिसिन ऑटोमेटिकली वेन में जाता है। और सुपरफिशियल वेनस डायलेटेशन कंडीशन के लिए तो एकदम श्योर शॉट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। राइट लेग पे पीछे की तरफ डायलेटेड वेन था, वेरिकोज वेन कंडीशन था आपका, ये फोटो में हम लोग देख रहे हैं, वीडियो में भी देखेंगे। 8 मार्च को इस वेरिकोज वेन के लिए इंडोवेनस डायोड लेजर एब्लेशन एंड फोम स्क्लेरोथेरेपी ड्यूअल मोडलिटी ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं सर्जन प्लास्टिक में, वो की गई थी। ये कुछ आज का रिजल्ट है। इसी जगह पे सारा डायलेटेड वेन था जो पुराने वीडियोस में दिख रहा है, फोटोज में दिख रहा है, और आज के इस कंडीशन को अगर देखें तो एकदम ही नॉर्मल। ये लिम्ब एकदम नॉर्मल इंडिविजुअल के पैर की तरह है, कहीं पे कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। आप भी कहीं ढूंढ तो नहीं पाते हैं? जब दौड़ते हैं तो थोड़ा सा कुछ वेन मोटा होता है ना, वो नॉर्मल वेन्स है। जैसे इस जगह पे शॉर्ट स्टिफनेस वेन रहता है वो दिखता होगा, या इस पैर में भी दिखता होगा वो, तो वो एक बार सामने से दिखाइए, सामने से। तो यही इस राइट लेग पे ज्यादा वेरिकोज, ऐसे दोनों पैर पे था इनका, दोनों की गई थी, और दोनों के कंडीशन को देखें तो कहीं भी कोई वेनस डायलेटेशन अभी नहीं दिखता है। अब आप आराम से विथ कॉन्फिडेंस जो SSCGD या किसके लिए मेडिकल SSCGD के लिए आप जाइए, वेन कोई पॉइंट नहीं बनेगा आपके लिए, एकदम एश्योर्ड रहिए कहीं से कोई पॉइंट आपके कंडीशन में एटलीस्ट वेन के लिए तो एकदम नहीं बनने वाला है। बेस्ट ऑफ लक, एकदम बढ़िया रहेगा।